हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केल्विन टॉपर स्पीक। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने 7 से 8 साल पहले ही डॉक्टर बनने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया था, और ये शुरुआत हुई थी उनके माता पिता के सपने से। उनके माता पिता ने 7-8 साल पहले ही फैजान के अंदर ये देख लिया था कि ये डॉक्टर बन सकता है और हमारे घर का नाम रोशन करेगा। तो आइए जानते हैं फैजान से कि इस साल उन्होंने नीट 2020 को किस तरीके से क्रैक किया और आगे आने वाले साल उनके लिए कैसे होने वाले हैं। तो फैजान, इस बार क्या नीट का स्कोर था आपका? मेरा नीट का स्कोर था 615। ओके, एंड आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, यस फैजान? तो फैजान, लास्ट ईयर आपका क्या स्कोर था? लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा स्कोर था 481। स्टूडेंट, 481 से 600 प्लस, आप ये समझिए, जब आपके पास एक पैशन होता है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करने में हिचकिचाते नहीं है, राइट? तो स्टूडेंट, ये जो आपका डिफरेंस आया, जो इतना बड़ा डिफरेंस था, इसको देखकर आपको कैसा रिएक्ट करा आपने, रिजल्ट जब आया नीट का? काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतना 600+ स्कोर, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा रहेगा और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि क्या पर्टिकुलर एक चीज़ थी जो आपको, आपने इम्प्रूव करी यहाँ पर एज अ केल्विन में, जो पहले नहीं हो पाई? बेसिकली जो एग्ज़ाम है ना, वो मेंटेलिटी का है, तो वो माइंड सेटअप बनाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। वो माइंड सेटअप थोड़ा सा इस साल चेंज हुआ और एक तरह से एटीट्यूड चेंज हुआ, उसकी वजह से ये 600+ स्कोर हो पाया। अच्छा, एक बात बताओ फैजान, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो ड्रॉप करेंगे तो उनका 1 साल या 2 साल खराब हो जाता है, तो आपने ड्रॉप किया है, आपसे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं है कि आपने जो 150 मार्क्स का करीब डिफरेंस क्रिएट किया, तो ये क्या है, मतलब साइकोलॉजी क्या है कि ड्रॉप करना क्या है, मतलब दिक्कत क्या है? नहीं, एक्चुअली अगर आपको पता है कि आपके अंदर एक पैशन है और आप कर सकते हो ड्रॉप, ड्रॉप करके आप उस डिफरेंस को क्लियर कर सकते हो, तो आप ज़रूर करिए। क्योंकि अगर एक तरह से अंदर से ये होता है कि इस साल क्यों रह गया, अगर आप अपनी कमियां जान लेंगे ना उस चीज़ को, उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, तो 600 तो कोई बड़ी बात नहीं है, 600+ लाना। बिल्कुल, नीट क्रैक करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 600+ लाना भी आजकल के टाइम पे बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं प्रिपेयर करने के लिए, आपकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। तो फैजान, ये जो सपना था, जब मदर फादर ने आपको बताया कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको कब रियलाइज हुआ, और जब आप 6th-7th क्लास में थे ऑलमोस्ट, तब आपको ये बता दिया गया था कि आपको डॉक्टर बनना है, कि आप कर सकते हो ये, तो आपके अंदर कब आया स्टार्ट होना, ज़ील कब आया आपके अंदर? ये जब पेरेंट्स बोलते थे कि डॉक्टर बनना, तो मतलब उस टाइम पे तो इतना समझदार नहीं थे, सीरियसली नहीं लिया इस बात को, बट जब 11th में साइंस में एडमिशन हुआ तो पढ़ना, मतलब पता चला उस चीज़ के बारे में कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं रहा, तो उस चीज़ को पता करना कि कैसे करना है, किस चीज़ को, उस प्रोसेस को, फिर कैसे कोचिंग लेनी है, कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए करना। बिल्कुल, तो फैजान, जब 16 लाख बच्चों से कंपटीशन चल रहा था, तो क्या दिमाग में आ रहा था जब फाइनल एग्जाम के हॉल में 3 घंटे बैठे थे? बस दिमाग में ये था कि अपना बेस्ट देना है, अपना करना है, जो मैंने इतने साल प्रिपेयर करा उस चीज़ को मुझे प्रूव करना है, बस यही था। इट्स ऑल अबाउट बेटा कि आप पूरे साल 2 साल जितने मर्जी मेहनत कर लो, मगर जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम फोबिया होता है, जब वो एग्जाम में जाते हैं और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, कैसे क्वेश्चंस आ गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर ऑलरेडी किया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपको जस्ट थोड़ा सा फोकस करना है उन 3 घंटों में। हाँ, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डर पैदा कर देते हैं, बट उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, वो 16 लाख बच्चों के लिए आपको नहीं सोचना है, राइट? तो केल्विन में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा फैजान? केल्विन में सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट तो मतलब 10 out of 10। Okay. और यहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जब भी उनसे बोला डाउट्स के लिए वो डाउट क्लियर करते थे, या फिर किसी टॉपिक में लैक होता था तो वो क्लियर कर दिया करते थे। तो बेसिकली टीचर्स की तरफ से तो ऐसा था कि आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, तो वो डिपेंड फिर अपने आप पे ही करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो डाउट्स हैं वो सुने जाएं, अगर आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो जनरली जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना फैजान, तो एक स्टडी मटेरियल जो है वो आपका, आप कह सकते हैं टीचर के बाद एक स्टडी मटेरियल ही होता है जो आपको हर जगह पर मिलता है, आप हर जगह उससे पढ़ सकते हैं, तो स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहना चाहते हो? स्टडी मटेरियल अगर मैं केल्विन के बारे में बात करूँ, स्टडी मटेरियल यहाँ का मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप स्टडी मटेरियल को कर लें, रिवाइज कर लें, तो आपके 600+ से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता।
आप हो सकता है आप और भी ज्यादा स्कोर करें, 650 प्लस भी कर सकते हैं, 660 भी अच्छे खासे कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको सबसे बेटर चीज क्या लगी केल्विन की अगर मैं बात करूं? स्टडी मटेरियल में द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जितना अगर आपका लेवल जिस हिसाब से है, अगर आप लेवल वन पर हैं तो आप लेवल वन पर आपको पता चल जाएगा, लेवल टू होता है उसमें, लेवल थ्री होता है, तो जो टफनेस है वो बढ़ती जाती है एक तरह से। मतलब लेवल बाय लेवल आपको जाना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली 700 के लिए एम करना है, आप उसको 600, 650, 650 इस तरीके से भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप समझ सकते हैं इस चीज को कि स्टडी मटेरियल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, 600 से ऊपर मार्क्स लाना नीट के अंदर जहाँ पे 16 लाख बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, क्या इजी था? हाँ, 600 से ऊपर स्कोर करना मतलब टफ होता है, उसके लिए रूटीन बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ना चालू कर दो कुछ भी और आपके 600 प्लस आ जाएंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर आपका रूटीन होता है, हर चीज़ पे उसको फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप रूटीन फॉलो ही कर रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं तो दोबारा रूटीन बनाना पड़ता है। ये मतलब मॉडिफिकेशन करते रहने चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है वो एक शेड्यूल आपने ले लिया और आप अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको ये लगता है कि यार शेड्यूल फॉलो नहीं होगा हमसे, तो ऐसा मत करो, शेड्यूल को फॉलो करो, अगर नहीं होता है तो उसमें रिवीजन कुछ ऑल्टरेशंस करो, मॉडिफिकेशंस करो ताकि आप कंफर्टेबिलिटी के साथ कर पाओ। राइट, तो इसके अलावा मुझे ये बताओ कि जब स्टूडेंट जो है वो इस बार नीट के 2021 जो जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कोई सक्सेस रेसिपी दे दो उनको, ऐसी कोई मंत्र टाइप सा कोई होता है क्या ऐसा कुछ? ऐसा तो बस यही होता है, सक्सेस मंत्र तो एनसीईआरटी होती है, वो तो खैर सब जानते हैं कि एनसीईआरटी सर, देखो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं होता, बस उसके आसपास क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, उस चीज़ को समझना एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। कैसे मतलब? बहुत सारे व्यूअर्स को ये ऑलरेडी पता है, काफ़ी हमारे टॉपर्स भी बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ फॉर द नीट, राइट, बट एंड करे कैसे उसको, एनसीईआरटी को प्यार कैसे करें ये जानना। एनसीईआरटी को प्यार देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास एक बुक है बेसिकली, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके बनाए हुए नोट्स से होगा, आपको कोई लाइन मिली किसी बुक से, आपने उठा के उसमें डाल दी, प्रीवियस के क्वेश्चंस हुए एनसीईआरटी में साइड में लिख लिए, उससे क्या होता है कि जब आप फाइनल रिवीजन करते हैं ना तो आपके बिल्कुल माइंड में छपे होते हैं वो चीज़ एक तरह से। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में छपा होता है कि इस पेज पे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे पढ़ा था, और इतना माइंड लगा के बच्चा कर ही लेता है वो क्वेश्चन। बिल्कुल 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 सही है, आप ये मान के चलो स्टूडेंट जो एनसीईआरटी है, जो स्टडी मटेरियल है, बहुत ही सोच समझ के आपको लेना होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बुक्स इकट्ठी कर ली और एक बार भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, इट्स ऑलवेज लाइक कि आप एक बुक को बहुत अच्छे से करें ताकि बढ़िया हो जाए। तो ठीक है, इट्स अ ग्रेट प्लेजर विद यू, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ केल्विन एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और हम दुआ करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कॉलेज मिले ताकि आप एक डॉक्टर का टाइटल लगा के हमारे पास दोबारा से आ पाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एवरीवन हु इज़ वॉचिंग अस, और जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं लाइव कमेंट जाके फटाफट से कमेंट करिए, अभी हमारे साथ ही हैं और हम देखते हैं कि क्या बात आपसे कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन, टेक केयर।